ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभु, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आखिरकार क्यों लोग हमसे जलते हैं? हमने तो कभी भी किसी का जाने अनजाने में कुछ बुरा नहीं किया और हम तो इस तरह की टेंडेंसी किसी के प्रति रखते ही नहीं। हम तो कभी किसी से जलने का बारे में सोच भी नहीं सकते, लेकिन उसके बाद भी लोग हमसे क्यों जलते हैं और क्या ऐसी खास बातें हैं जिससे कि लोग हमसे जलते हैं? इस पूरे वीडियो में इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। और ये वीडियो क्यों आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है वीडियो कि ये जो चीज़ें हैं, ये कारण जो हैं, ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम चीज़ों को बहुत अच्छे से अपने तरीके से, अपने ढंग से अपनी तरफ कर सकते हैं। हमें कोई परवाह नहीं है। मैं ये भी जानता हूँ कि लोग जलते हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, हम उनकी परवाह नहीं करते, पर आखिर क्या कारण है उन सभी चीज़ों के पीछे कि लोग इस तरह का व्यवहार हमारे साथ करते हैं? तो इस पूरे वीडियो को अंत तक देखें और बातों को बहुत ही बारीकी से समझें ताकि आपके जीवन में ये उपयोगी साबित हो। उससे पहले एक छोटा सा मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखें जो आपको अच्छा लगे। साथ ही साथ आप अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस लागू है। दोस्तों, सबसे पहली और मुख्य बात है, लोगों के जलने के पीछे जो एक मूलत बात समझ आती है वो है कि कोई भी व्यक्ति आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, मतलब वो जैसा चाहते हैं आप वैसा करें। और हम बुद्धिजीवी हैं, हम विवेकशील हैं, हमें पता है कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, और हम वैसी चीज़ें नहीं करते हैं, उनके तरह से नहीं करते हैं, वो जैसा कहते हैं वैसे नहीं करते हैं। और इसी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति हमसे बाहर है, ये व्यक्ति अपने मन से चलता है, तो इस वजह से उनको जलन होती है, क्योंकि वो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए आपका उपयोग करना चाहते हैं और आप उपयोगिता में नहीं आना चाहते हैं। सीधी सी बात है, इस वजह से वो लोग आपसे जलते हैं। ये पहला एक बहुत बड़ा कारण है जो आमतौर पर जब बहुत सारे जातकों से मैं बात करता हूँ तो उसमें ये चीज़ एक उभर कर बाहर आती कि उन्होंने मुझे ऐसा कहा, मैंने वो नहीं किया, वो गलत था, वो कहे कि आप ऐसा कहें, मैंने नहीं कहा क्योंकि वो गलत था। तो इस वजह से कई सारी परेशानियाँ क्रिएट होती है। क्रिएट होने से सीधी सी बात है कि जलते हैं लोग। दूसरी बात होती है लोगों की मदद, और हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। अक्सर देख लेना वो लोग जो लोगों की हमेशा सही ईमानदारी से मदद करना चाहते हैं, जो किसी का अहित नहीं चाहते, हमें किसी भी चीज़ के बारे में प्रॉपर चीज़ें पता है तो हम उसे कह देते हैं कि आप ऐसा ना करें, ये चीज़ें इस तरह से आपको करना चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि उनका विवेक है, सामने वाला माने या ना माने, पर हम हमारी तरफ से उन्हें ये बातें ज़रूर बता देते हैं कि आप इस तरह से चलिए। और इसमें कई बार ये भी देखा गया कि आपने जिसको सही राय दी वो व्यक्ति बाद में आके आपके पास ही आके पछताता है कि आपने सही कहा था, मैंने तब सुना नहीं। तो इस वजह से भी लोगों को जलन होती है, लोगों में एक पीड़ा है कि यार इस तरह से क्या है कि ये व्यक्ति हर एक व्यक्ति को सही तरीके से जानकारी दे देता है और चीज़ें जो है ये किसी का वो नहीं, अहित नहीं चाहता है। तो इस वजह से बहुत से लोगों का पेट जलता है। पेट जलने से मतलब है कि वो उनका जो स्वार्थ है वो पूरा नहीं होता है, क्योंकि आप सही चीज़ें दे देते हैं और उनका स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी सही जानकारी से वो उस रास्ते पे नहीं जाएगा। इस वजह से भी लोग जलते हैं। दोस्तों, तीसरा जो एक मेजर कारण है जो लोगों के जलने के पीछे है वो है तरक्की। ऐसा एक मानवीय स्वभाव है कि किसी की तरक्की से लोगों को जलन होती है, कोई आगे बढ़ता है, किसी के जीवन में उन्नति आती है, तो उसका हम और आप कोई कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक वो नैसर्गिक उनका स्वभाव है, उसे ना हम बदल सकते हैं, वो सिर्फ वो स्वयं ही बदल सकते हैं। और चौथी और मुख्य बात जो सबसे ज़्यादा आपको गार्ड बांध कर रखना चाहिए कि कभी भी कोई भी इंसान आपका बुरा नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी जलने वाला हो। उसके पीछे एक मुख्य कारण याद रखिए कि जिनका मन हृदय साफ होता है, जो शुद्ध अंतकरण से पवित्र होते हैं, उनका भगवान रक्षा करता है और कोई भी उनका बाल बांका नहीं कर सकता। ये मेरा निजी अनुभव है, और आप अपने गुरु मंत्र का कंटिन्यू जाप करते रहें, बिल्कुल घबराए नहीं, बस आप अपने आनंद में रहें, अपने उमंग में रहें और भोलेनाथ का जप करते रहें, बाकी सब अच्छा होगा। दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें। ओम नमः शिवाय।